हेलो, आज बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के दो ब्लंडर्स के। पहला है इन द एंड और दूसरा है एट द एंड। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इन द एंड एंड एट द एंड दोनों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। पहले बात करते हैं इन द एंड के। इन द एंड का मतलब है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और फाइनली। कुछ सेंटेंसेस के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। इन द एंड आई केम टू नो हु ही वॉज, यानी कि फाइनली मुझे ये मालूम चला कि वो कौन था। इन द एंड आई अंडरस्टूड माई ब्लंडर, यानी कि फाइनली या बहुत देर बाद में मुझे ये मालूम चला कि मेरा जो गलती थी, बहुत बड़ी जो गलती थी, वो क्या थी। वॉट माई ब्लंडर वॉज। इन द एंड द पीपल अंडरस्टूड देयर ग्रीवेंसेस, यानी कि फाइनली या बहुत देर बाद में लोगों को मालूम चला कि उनकी ग्रीवेंसेस क्या थी, उनकी परेशानियां क्या थी। ये है इन द एंड। अब बात करते हैं एट द एंड का। देखिए, एट द एंड के बाद में हमेशा ऑफ आता है, एट द एंड ऑफ, और ऑफ के बाद में समथिंग आता है, और ये समथिंग डिसाइड करता है कि एट द एंड ऑफ को यूज कैसे किया जाने वाला है। ये ऑफ क्या क्या हो सकता है? ये ऑफ नाउन है। ये नाउन कौन कौन सी हो सकती हैं? ये नाउन हो सकती है कि कोई इवेंट हो सकता है, ये कोई लोकेशन हो सकता है, ये कोई जगह हो सकती है, ये कोई दिन हो सकता है, ये कोई थॉट हो सकता है। तो ऑफ नाउन जो है वो नाउन कई जगह पे आपको दिखाई पड़ सकती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एट द एंड ऑफ द मंथ वी पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल। एट द एंड ऑफ द मंथ, तो इसका कोई फिजिकल एक एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको फिजिकली आप देख नहीं सकते हैं, आप इसको अपने दिमाग में समझ सकते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ वी पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल। एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था, एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट द म्यूजिशियन शुक हैंड विद ऑल ऑडियंस। तो उन्होंने सबके साथ में, जितने भी ऑडियंस वहाँ थी, सबके साथ में उन्होंने हाथ मिलाया। ये एक इवेंट हो गया। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट देयर इज ए पोस्ट ऑफिस। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट देयर इज ए पोस्ट ऑफिस। ये एक फिजिकल लोकेशन हो गई, यानी कि बिल्कुल गली के बिल्कुल अंत में, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट देयर इज ए पोस्ट ऑफिस। एट द एंड ऑफ, तो यहां पर इतनी चीजों को यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब फाइनली बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और भी है। बहुत सारे लोग यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ डे का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब आपने पूरे दिन काम किया और अब ये रात हो गई है, एट द एंड ऑफ द डे, और अब उसके बिल्कुल आखिरी बिंदु पर जब आप सोने की तरफ जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू हिट द बेड, आप बिल्कुल सोने वाले हैं, और तब आप कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। या आपकी जो सर्विस है, आप किसी सर्विस में जाते हैं, नौकरी करते हैं, और वहाँ पे आपका 5 या 6 बज गए हैं, एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जब आप सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं, जब आप सब चीज़ों का लेखा जोखा बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे। आपने बहुत सारे लोगों को इसको यूज़ करते हुए सुना होगा, लेकिन वो गलत यूज़ करते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि दिन ख़त्म हुआ और उसके अंत में आप कोई कार्य करने वाले हैं, कोई एक्शन आप करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे सिंपली मीन्स कि आप एक ऐसा प्लस माइनस का ऐसा एक अपना अकाउंट रख रहे हैं और आप उसके बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव टू डाई, यानी कि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग वी ऑल हैव टू डाई, हम सभी को अपने उस अंतिम स्थान तक जाना है। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल विश टू बी हैप्पी, यानी कि पूरे दिन की हम उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं जैसे आप सोच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सब चीजों को मिलाकर
आपके प्लस और माइनस और सब चीज़ों को मिलाकर व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द डे वाज दैट यू नीड टू फील हैप्पी. इट डजंट मीन दैट द डे इज ओवर एंड नाउ यू वांट टू टेल समथिंग, यू वांट टू टेल समबडी समथिंग और यू वांट टू मेक अ कंप्लीट स्टेटमेंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ सम मैटर. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इन द एंड मीन्स फाइनली एट द एंड ऑफ, मैंने आपको समझाया कि कोई भी लोकेशन हो सकती है, एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है, डे मैंने लास्ट में बात की उसको भी मैंने समझाया, और एट द एंड ऑफ द डे के बारे में भी बात की कि उसका मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं कि दिन ख़त्म हुआ, बज गए और आपने क्लॉक आउट कर दिया और अब आप बाहर जा रहे हैं, नौकरी से बाहर जा रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है. तो तीनों को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा एंड आई विल बी ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू वन मोर टाइम. और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझको कि और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है. हैव ए नाइस डे.